हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और शुरू हो चुका है हमारा अगला दिन। अभी हम लोग हैं जयपुर में और निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी जो उदयपुर के लिए टाइम बता रहा है मैप, वो बता रहा है 6:30 घंटे, मतलब कि हम 12-1 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और मिलते हैं सीधा उदयपुर। अभी हम लोग आ गए हैं उदयपुर वाले हाईवे पे और ये रास्ता जाता है भीलवाड़ा होता हुआ। एक दूसरा रास्ता भी है अजमेर की तरफ से जाने वाला, पर मैप में ये वाला रास्ता बता रहा था सही। और जो रास्ता है उदयपुर जाने का वो बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं हमें और बहुत ही मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना सबको? तो गाइस अब हम हैं बीच रास्ते में और अब हमें कितना टाइम और लगेगा, 3 घंटे और लगेंगे पहुंचने में इसके बाद। और अब हम थोड़ी सी अपनी सीटिंग जो है वो चेंज कर रहे हैं, मतलब हम दोनों आगे बैठ रहे हैं और ये दोनों पीछे बैठेंगे। चलो भाई बैठो और चलते हैं, बीच में देखते हैं रुकेंगे कहीं चाय वाय पीने के लिए, सुबह से चाय भी नहीं पी। पेट्रोल पंप पे, क्योंकि हमारा पेट्रोल जो है वो ख़त्म होने वाला था, 1 पॉइंट रह गया था बस, तो पेट्रोल डलवा लिया है। 2 घंटे और लगेंगे अब हमें उदयपुर पहुंचने में। और नज़ारा जो है वो यहाँ का बहुत सुंदर है, पीछे पहाड़ वगैरह सब दिख रहे हैं, इधर भी पहाड़ है उधर भी, और रास्ता बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा जल्दी पहुँच जाएंगे, ट्रैफिक भी कम है। गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं होटल चित्तौड़ पे। हमने सोचा कि यहीं पे रुक जाएं थोड़ी देर और चाय वगैरह लेते हैं, ब्रेड बटर लेते हैं, देखते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं यहीं पे और इसके बाद निकलेंगे। 1.5 घंटे का रास्ता और है उदयपुर का अभी, तो चलो चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलते हैं। गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर, हमें लगभग 6 घंटे लग गए उदयपुर पहुंचने में जयपुर से। और रोड बहुत अच्छा था बट बीच बीच में ट्रक चलते रहते हैं तो इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक भी रहता है, बट उतना नहीं है, खाली मिलता है रोड। टोल जो है वो 5-6 टोल मिलते हैं यहाँ पर, 100-150 रुपये उसका वो होता है, क्या बोलते हैं, फीस। और बस अभी पहुँच गए हैं यहाँ पर, ये लोग गए हैं अंदर होटल देखने के रूम अवेलेबल है या नहीं है जिसमें 4 लोग एक साथ रह सकें, बिकॉज़ जब हमने नेट पे चेक करा था तो वो अवेलेबल नहीं था, तो ये पूछने गए हैं अंदर, देखते हैं अब मिलता है नहीं मिलता है, क्या करना है। तो अभी थोड़ी सी थकान भी हो रही है, अगर रूम मिल जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर घूमने निकलेंगे। और आप सब लोग बने रहिएगा इस सीरीज़ में और इन्जॉय करते रहिए। तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद हमें एक रिसॉर्ट मिल गया है, लेक के पास ही है। और बाकी हम बहुत देर से यहाँ पे ढूंढ रहे थे तो होटल वगैरह ज़्यादा मिले नहीं, जो मिले वो अच्छे नहीं थे और रूम के प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि अभी यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है तो इस वजह से भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। अब बहुत मुश्किल से ये वाला रिसॉर्ट हमें मिला है, तो अभी मैं आपको अंदर से चल के रूम दिखाता हूँ। बाकी कॉटेज मिली है और यहाँ पे बाहर सिटिंग एरिया भी है रूम के, तो मैं आपको चलकर दिखाता हूँ अपना रूम।
गाइस ये है हमारे रूम की एंट्रेंस। यहाँ पर बाहर चेयर और टेबल है। इधर हमें मिल जाता है बाथरूम और सामान रखने की जगह, और बाकी ये अपना है रूम। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बेड लिए हैं दो, तो वो इन्होंने नीचे डाल दिए हैं मैट्रेस। तो गाइस अभी शाम के 7:30 बजे हैं और टाइम हो गया है निकलने का थोड़ा सा बाहर, क्योंकि हमें डिनर करने के लिए जाना है। हम लोग आए थे उदयपुर, पहुँच तो 1 बजे ही गए थे, पर होटल ढूंढने में टाइम लग गया, इस वजह से सीधा थोड़ा बहुत होटल में खा पी के सो गए थे। फिर उठे, नहाए धोए और अब निकल रहे हैं सीधा खाना खाने के लिए। अभी हम लोग आए हुए थे शिल्पग्राम फेस्टिवल में, जो कि लगता है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, पर अभी हम लेट हो चुके हैं, तो इसके बंद होने का टाइम हो गया है। तो वो भी लेट हुए हैं जब ये बिल्कुल हमारे होटल के बराबर और ये हमारे बिल्कुल रिजॉर्ट के बराबर में ही है, तब हम इतना लेट हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, इसको हम कल आकर देखेंगे, पास में ही है तो कभी भी आ सकते हैं। तो हाँ, कल आकर देखेंगे, अभी चलते हैं डिनर करने के लिए। हम लोग यहाँ से जा ही रहे थे बस, तो हमने देखा कि यहाँ पर खाने के लिए कुछ मिल रहा है, तो हमने सोचा कि राजस्थानी खाना थोड़ा सा टेस्ट किया जाए, तो हमने इसलिए राजस्थानी थाली ऑर्डर कर दी है। अब वो खाते हैं, देखते हैं, फिर बाद में रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे अगर यहाँ पर सही हुआ तो। तो ये है मेवाड़ का स्पेशल राब, राब बोलते हैं इसको, पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं। गरम रायते जैसा है गरम रायता लग रहा है, नहीं गरम रायता है, गरम रायता है ना, गरम रायता है ना। देख ये आ गई हमारी राजस्थानी थाली, और ये हमने मंगाई है पाव भाजी, और रोटी जो है वो भी आ रही है। ये कड़ी है, ये जयपुर बेसन गट्टा है, और ये सरसों साग है सर, ये टपोरी साग, ये लहसुन चटनी, मिक्स दाल है जी सर, ये बाजरे की मक्की की रोटी, मिक्स रोटी, हुकम पापड़ और हलवा लड्डू आएगा आपका। अच्छा, वो बाद में आएगा, अभी ये ला रहा हूँ सर। अच्छा, ये है दाल, ये कौन सी रोटी है, ये मिक्स रोटी है, ये घर हलवा है, मूंग का, मूंग का हलवा। मज़ा आ गया यहाँ पर, हम लोग सोच रहे थे कि लेक साइड जाके खाएंगे, पर मज़ा यहीं पे आ गया। चूल्हा भी खाना है क्या? अब देखते हैं वहाँ पे जाएंगे या नहीं, प्लान भी कैसे आए और ये थाली नहीं खाई। हाँ, राजस्थान आ रहे हो तो ये वाला जो जिसकी थाली होती है राजस्थान की, जरूर ट्राई करना। वैसी जो चीज़ है वो तो हम नॉर्मल खाते ही रहते हैं, यही वो है दूसरा एक और क्या कहते हैं साग, बाजरे की रोटियाँ ना। थाली में इतनी सारी चीज़ें हैं, हम चार बंदे खा रहे हैं फिर भी खत्म नहीं हो रही हमारी पूरी थाली, जो इतना सब कुछ मिल रहा है ना, ये सिर्फ 500 रुपये में, इसमें रिफिल भी हो जाएगी, और रोटी तो आती ही आ रही जब से है ना, बाजरे की रोटी है और कई सारी चीज़ें हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही है, हमसे तो चार बंदे रूखा गुड़ भी है, उसे भी ऐसे ही खा जाओ, ये इतना बढ़िया बना है। तो गाइस जब हम निकल चुके हैं यहाँ से खा पी के खाना, और जब हम खाने के लिए बैठे तब तो वहाँ पर कोई नहीं था, जैसे हम लोग बैठे वहाँ पर लोग आने लग गए। थाली उन्होंने जो प्रेजेंट करी, आए हाय क्या थाली थी यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एक आइटम ऐसा कह सकते हैं कि कोई जवाब नहीं सारी, और सबसे गुड़ इतना बढ़िया कि हमने गुड़ का तो ऑर्डर दे दिया उनको जो कल मिल जाएगा हमें। सबसे बढ़िया बात, सब्जियां आप रिफिल करा सकते हो कितनी भी,
रोटी सब्जियों पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हम चार बंदे एक थाली में हमने खा लिया, और अकेला अगर बंदा उस थाली को खाएगा तो नहीं खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। हाँ, इतनी सारी चीजें और बहुत सारी वैरायटीयां। हाँ, चोखी दानी भी हम गए थे। हाँ, वो फ्लेवर का टेस्ट नहीं होगा जो इनकी ये प्योर राजस्थानी। हाँ, थाली थी रजवाड़ी वाली। अंकल बड़े पोलाइट थे, उनका मतलब बिहेवियर बड़ा अच्छा था, प्रेजेंटेशन हर टाइम जैसे प्रॉपर राजस्थानी बात करते हैं ना, इज्जत के साथ। अब हमारा प्लान तो था यहाँ के बाद वहाँ जाने का, लेक साइड रेस्टोरेंट। हमारा तो मेन ये था कि हम लेक साइड जाएंगे और इसको खाली देखने के लिए, कि लेकिन ये तो खत्म हो गया था। मतलब यहाँ पर हम पता है क्यों आए थे, बस कि हमारे रिजॉर्ट के बिल्कुल पीछे है, जो मेन रीज़न था वो हमारा ये था। वो हमारा ये था। हाँ, बाकी अब आ गए हैं रिजॉर्ट में, यहाँ से कार उठाते हैं और थोड़ा सा राउंड मार के आते हैं लेक का, उदयपुर का। अब उदयपुर थोड़ा घूमते हैं, अब देखते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि अभी तो है टाइम, थोड़ा सा चलते हैं। हमने कार जो है लगा दी है अपनी यहीं पार्किंग में, साइड में इसी पुल पे, और यहाँ से हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। एक कैफ़े हमारे पीछे था लेक साइड, और एक आगे है यहाँ पर, तो अभी देखते हैं किसमें जाना है। बाकी आप भी आओ तो ऐसी कार अपनी साइड में लगा सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पर जाम लग जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पर लग चुका है। अभी हम लोग हैं एक लेक साइड रेस्टोरेंट में, रंग सागर नाम है इस रेस्टोरेंट का, और टॉप पे अगर यहाँ से पूरा लेक दिख रहा है, मैं पूरा लेक देख सकता हूँ, पर कैमरे पे मैं वो चीज़ नहीं दिखा पाऊँगा जो कि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बिकॉज़ कैमरा उतनी लाइट कैप्चर नहीं कर पाएगा अपने अंदर। फ़ोन से एक शॉट लेने की कोशिश करता हूँ मैं, बिकॉज़ फ़ोन थोड़ा सा उसको एनहेंस करता है लाइट को जो भी आ रही होती है, बट कैमरे से मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। बाकी कल दिन में आएंगे, दिन में देखेंगे कि कैसा लगता है यहाँ से। बाकी खाना वाना तो सब हमने खा लिया था वहीं पर अपने रिसॉर्ट के पास, जो फेस्टिवल था उसमें। यहाँ पर तो हम ऐसे ही आ गए कि चलो थोड़ा सा मज़ा ले लिया जाए लेक साइड रेस्टोरेंट का भी, और यहाँ पे हमने ऑर्डर करा है वाटरमेलन मोइतो और चीज़ ग्रिल सैंडविच, और क्या चीज़ मंगाई है हमने, पास्ता। हाँ, पास्ता, अल्फ्रेडो पास्ता। तो ये चीज़ खाते हैं, थोड़ा देखते हैं। वैसे मन तो है नहीं इस वक्त खाने का, पर लेक साइड है तो खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लेक है पूरी, और वहाँ पे उस तरफ हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ से हम लोग पैदल चलकर आए यहाँ तक। तो आप भी ऐसे ही करना, वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हो आप। यहाँ पर आओगे तो पार्किंग नहीं मिलेगी और जाम भी बहुत मिल जाता है कभी कभार। तो अब टाइम आ गया है निकलने का यहाँ से, तो चलते हैं सीधा होटल में सोएंगे, और कल से हमारा जो उदयपुर का टूर है वो शुरू होगा। एक एक करके हम सारी जगह घूमेंगे और आप लोगों को भी घुमाएंगे अपने साथ। तो हम लोग अभी थे उस वाले रेस्टोरेंट में वहाँ पर, और ये है पूरी यहाँ पर लेक, और इस तरफ हमारी आगे गाड़ी खड़ी हुई है।
गाइस अभी हम लोग आ गए हैं वापस अपने रिसॉर्ट में, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ जो ठंड है वो कुछ इस तरीके की है। दिन में होती है कम और रात में बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने अभी हुडी पहनी हुई है। दिन में धूप ज़्यादा होती है यहाँ पर तो हुडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट रात में जो है ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। दिल्ली के मुकाबले कम है बट वैसे ज़्यादा है, जयपुर के मुकाबले ज़्यादा है। और अब यहाँ पे मेरी नाक भी सुन हो गई है बैठे बैठे झूले पे, बट फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गाइज अब पिछले कुछ दिनों से ट्रैवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था, जल्दी उठना पड़ता था, रात को देर से सोते थे। तो आज हमने सोचा है कि माइंड फ्रेश करने के लिए थोड़ा सा चेस खेल लिया जाए, और मेरे साथ खेल रहा है विन्नी। क्या लगता है मैं कौन जीतेगा, मैं या तू? देख ले, हार भी सकता है तू और जीत भी सकता हूँ मैं। क्या बोला तूने? अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें मैं ज़्यादा हारा हूँ इससे विन्नी से मैं ज़्यादा हारा हूँ, इससे जीता हूँ। तो अभी हम लोग चेस खेलते हैं और आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।